So here, one message, number of students. So user will enter number of students here. Then we declare one empty dictionary. But a curly bracket start, curly bracket close. This is an empty dictionary. Okay? This is our Google data name. We are using loop for I in range n. So Krish, how many times loop will be executed? 5 at 5 times. So I ki value 0 to 4 chalegi. Okay? Now we enter roll number of student, user will enter in input. Enter roll number. Then marks. Marks float in the same. Okay, that's why we converted this into float. Enter marks. Now tell me, कि अगर हमारे पास डिक्शनरी है stu, if I want to add element in that, तो हमें ऐसे करना पड़ता है ना stu name of the dictionary in square bracket, yes, key variable combination है ना key value combination, तो key इसमें key कौन सी है? Roll number, it's a key. Value कौन सी है? Marks. ठीक है, तो वन एलिमेंट ऐड हो जाएगा. इन द सेम वे इफ वी एंटर द वैल्यू ऑफ n इज 5, इट मींस 5 टाइम इज एग्जीक्यूटेड 5 एलिमेंट एलिमेंट विल बी एडेड एंड आफ्टर द लूप वी विल प्रिंट stu. सो आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस गिविंग द नेम ऑफ प्रोग्राम डिक्शनरी. Number of students I am taking here 3. Student roll number 1 and marks. Roll number 2 here and marks. Roll number 3 and marks. So this is the dictionary. Clear? 1 and 89. 1 is a key, 89 is a marks. 2 is a key, 67 is a value. ठीक है? Key value combination. तो हमने यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाया था, दिस इज अ डिक्शनरी, दिस इज अ की, दिस इज अ वैल्यू, इट विल ऐड वन एलिमेंट. क्विकली इंप्लीमेंट दिस सेटअप. यस सॉन्ग इज गौरव, एनी डाउट हियर? Will be any doubt? Yes, sir. Okay. Okay, any doubt in this? So next is now the question is
कि जो आपके पास ये 1, 2, 3 ठीक है, दीज आर द कीज, तो की क्या क्या हो सकती है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, डी बेटा, 1 इज की, 2 इज, 1, 2, 3 दीज आर कीज, 89, 67, 88 दीज आर वैल्यूज। ठीक है, अब हमने डिस्कस करना है कि कीज आपके पास नंबर हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अदर डेटा टाइप लाइक टपल, लाइक लिस्ट कैन बी द की, क्या वो की बन सकती है कि नहीं। ठीक है, तो हमने कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे। टपल किससे शुरू होता है बेटा? ठीक है, 1, 2, 3 ये उसकी वैल्यू, इसका मतलब ये बन गई कि ये बन गई उसकी वैल्यू। ठीक है, देन कॉमा, फोर फाइव सिक्स ये टपल हो गया और ये होगी इसकी वैल्यू। क्लोज डिक्शनरी एफ सेंटर की डी को डिस्प्ले किया, इसका मतलब टपल भी की बन सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इंटीजर बन सकते हैं, ठीक है, देन स्ट्रिंग भी हो सकती है, थर्ड वन इज टपल भी। अब लिस्ट करके देखते हैं। तो लिस्ट के लिए हमने सबसे पहले एक फिर से डिक्लेयर करते हैं d1। अब स्क्वायर ब्रैकेट में 1, 2, 1, 2, 3 देन वैल्यू, देन 4, 5, 6 देन वैल्यू, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। चलो, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि जो डेटा टाइप म्यूटेबल होती है, ठीक है, एक तो ये हो गया। अब हम डिक्शनरी ट्राई करके देखते हैं, लिस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो d1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, तो अगर हमें डिक्शनरी लेनी है तो कर्ली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी ना। कर्ली ब्रैकेट 1 कॉलन कर्ली ये होगी उसकी की और ये होगी उसकी वैल्यू, देन कॉलन आएगा। हाँ, कॉलन आएगा उसके बाद। ठीक है, देन अगेन एरर, इसका मतलब जो लिस्ट है वो की नहीं बन सकता, वैल्यू कोई भी बन सकती है। वैल्यू में आप लिस्ट ले लो, टपल ले लो, बट लिस्ट कांट बी। तो डिक्शनरी भी बन इतना उसमें एरर कौन सी है? एक तो नहीं, इसमें बार भी गलती है, ये आपके पास इनवैलिड दिया ना उसकी सिंटेक्स, फर्स्ट वैल्यू और उसकी हाँ इसकी वैल्यू नहीं दी है ना। साथ यहाँ पे वैल्यू भी आने तो वन थिंग दैट इज क्लियर, द डेटा टाइप दैट इज म्यूटेबल कांट बी, जो भी इनम्यूटेबल होंगी, इम्यूटेबल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, इंटीजर इम्यूटेबल है, टपल इम्यूटेबल है, जो भी इम्यूटेबल है वो की बन सकते। ठीक है, क्लियर बेटा कंसेप्ट? नहीं, ये इसकी की बन गई ना, ये हमने क्या किया था, ये की बनाई, ये उसकी वैल्यू बनाई, ये इसकी की बनाई, ये उसकी वैल्यू बनाई, पर वो एक्सेप्टेड नहीं है। रीजन इज डिक्शनरी इज म्यूटेबल। क्लियर? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंसेप्ट इज क्लियर?
here one important thing is here ki I'm typing here one note. Only only immutable data type can be key of a dictionary. ठीक है, तो immutable जो होंगी होंगी वो हो सकता है, mutable are not accepted. ठीक है, तो कौन कौन से accepted है? String है, float में अगर आप वैल्यू ले रहे हो, int में वैल्यू ले रहे हो आप, ठीक है, इट्स ओके. टपल इज एक्सेप्टेड, ठीक है, बट द थिंग्स विच द कीज विच आर नॉट एक्सेप्टेड, वन इज लिस्ट, सेकंड इज डिक्शनरी, दीज आर नॉट एक्सेप्टेड. ओके, कैन सी क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नाउ सपोज आई हैव वन dictionary here I am taking here one and 67, two colon 78, eight colon 88, three colon 98. Now tell me, keys are 1, 2, 8, 3. These are keys. Values are clear. So this is not in a serial order. That's why I am taking here 167, 278, 888, then 398. Because you have to sequence me nahi hoti. Okay? They're not an ordered list. And tuple and string, these are order. So this means slicing of the year, this means indexing of the year. Now, if I am using your for loop, I in two. So this two ka first element aayega na? Par agar hum yahan pe I display karte, to kya display hoga? Okay, this is an important thing. Because yahan pe two things are there in list. And tuple there are only one value. ठीक है, अगर हम यहाँ पे tuple होता या कुछ भी dictionary होती तो यहाँ पे 67 होता, 67 display होना था. Now I am running this program. Yes. क्या display हो रहा है बेटा? Only keys. ठीक है, क्या display हो रहा है यहाँ पे? सिर्फ keys. 1, 2, 8, 3. I am running this program again. 1, 2, 8, and 3. Now, in case I want to display the values, 2 square bracket. Now, it will display the value 67, 78, 88, 90. Apply this. Quickly apply this. If I display I, it will display 1, 2, 8, 3, and if I am using 2 I, it means it will display the values 67, 78, 88, 90.
देखो हमें एक यहाँ से क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, पेपर में भी गेट क्वेश्चन आया था, बताओ मीन और वैल्यू में से कौन सी यूनिट होनी चाहिए। आपने आप इसको यूनिट में बना दोगे तो यूनिट नहीं कर सकते, नहीं करेगा तो सही नहीं कर सकते। क्या करेंगे जब आप क्या किया हो कि मीन में क्या बनेगा, तो वैल्यू नहीं हो सकती है, बट जो आपके पास चीज है दैट मस्ट बी यूनिट। चलो एक यहाँ तक क्लियर है। अभी हम एक और कंसेप्ट करते हैं कि जैसे ये 67 है, ठीक है, हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं रोल नंबर 1 के 3 सब्जेक्ट हैं, उसमें ये मार्क्स है, तो ये क्या बन गई बेटा लिस्ट, ठीक है, रोल नंबर 1 उसके सब्जेक्ट 1 में इतने, सब्जेक्ट 2 में इतने, सब्जेक्ट 3 में इतने मार्क्स है, रोल नंबर 2 अगेन। तो ये वैल्यू में भी एनीथिंग, टपर भी हो सकती है, डिक्शनरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट ओनली द कॉलम इज विद कीज। ठीक है बेटा यहाँ पे, तो इफ आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम बेटा, 2 1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अब वैल्यूज आएंगी, तो वैल्यूज कौन सी होंगी, अब कौन बताएगा मुझे, इफ आई वांट टू डिस्प्ले ओनली 45, 88, 99 सब्जेक्ट मार्क्स इन फर्स्ट सब्जेक्ट ओनली, आई के आगे ईयर ब्रैकेट में 0, वेरी गुड बेटा, ठीक है, तो 0 लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ओनली 45, 88 एंड 99, ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे 1 कर दें, चलो अब कौन बताएगा, देखो टोटल में यस टोटल आएगा, ठीक है, तो This is on you how to use any data type. आप किसी भी data type को किसी भी extent तक use कर सकते हो, logic बना सकते हो, depend on you. ठीक है? So this is a dictionary. ठीक है? Now एक करते हैं एक बार sum. Total sum total कितना? इन्हें क्या ऐड करें? थ्री वैल्यूज दोनों की जो थ्री ऐड होगी ना, ये 99, 97, 87 टोटल 284 क्लियर। नाउ एक और डिक्शनरी में बना रहा हूँ ताकि आपको और एक कंसेप्ट क्लियर होगा, रोल नंबर 1, ठीक है, ये देखो बेटा इधर,
This is called nested dictionary. डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी बना लेते हैं, ठीक है? जैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाते हैं, टप्पल के अंदर टप्पल बनाते हैं, ठीक है? है तो ये इसकी वैल्यू ही है ना, ये देखो, ठीक है? तो डिक्शनरी के अंदर हमने क्या बना दिया, एक और डिक्शनरी। रोल नंबर वन, उसमें नेम क्या है और उसके मार्क्स कितने हैं, ऐसे ही। सॉरी, ये यूनिक नहीं हो सकती, कीज यूनिक यूनिक नहीं हो, यूनिक होनी चाहिए, सेम नहीं हो सकती, ठीक है? ऐसे रोल नंबर टू के नेम ये है, मार्क्स लास्ट में कर्ली ब्रैकेट फिर से क्लोज करनी है आपने एंड लास्ट में। अब बाकी आपका वर्क, अब ये देखो यहाँ पे जीरो नहीं यूज हो सकता, अब कौन बताएगा क्या करेंगे हम, जीरो तो यूज ही नहीं हो सकता। जीरो हम यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि डिक्शनरी आ गई यहाँ पे, इंडेक्सिंग तो है नहीं। तो अगर हमने नेम डिस्प्ले करना तो क्या करेंगे, की लेंगे, ठीक है? क्या लेंगे यहाँ पे, तो अब ये हर एक रिकॉर्ड में क्या बताएगा, सिर्फ नेम बताएगा। ठीक है, और अगर हम नेम की जगह क्या ले लें, मार्क्स, ये सिर्फ मार्क्स बताएगा यार, स्पेलिंग गलत हो जाएगी यहाँ पे, मार्क्स कहाँ पे आए हैं और कितने क्वेश्चन आए हैं बेटा, एक प्लस वन का ही टॉपिक उसमें भी रिपीट होगा। एंड इफ यू विल डू द प्रैक्टिकल डेफिनेटली यू विल लर्न, एंड थ्रेटिकली अगर आप करोगे कि यस दिस इज द कोडिंग आई अंडरस्टैंड द कोडिंग, तो नहीं सॉल्व। प्लस टू टर्म वन सैंपल पेपर, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब ये बेसिक्स का पार्ट है, इन द प्लस टू फर्स्ट चैप्टर इज बेसिक्स ऑफ प्लस वन, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स यूजर डिफाइंड इन, कौन से इनवैलिड है? देखो बेटा, यहाँ पे नन इज ए कीवर्ड बट एन इज ए कैपिटल, ठीक है? तो ये हो सकता है, ये आइडेंटिफाई बन सकता है, एड्रेस बन सकता है, नेम बन सकता है, पास, पास इज ए कीवर्ड, कांट बी, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नन मतलब वैल्यू नहीं है, अगर हम ऐसे करते हैं ना, देखो इधर यहाँ पे इन पाइथन एक्स वेरिएबल ले लिया, उसको नन दे दिया, नन मीन्स कोई वैल्यू नहीं इसमें भी, ठीक है? तो मैं एक्स डिस्प्ले करूंगा तो ब्लैंक है, कुछ नहीं है उसमें, खाली, नन मीन्स ब्लैंक, क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू स्मॉल ए में लिखूंगा, उसको मीनिंग ही नहीं पता, तो नन इज एक,
पास क्यों यूज करते हैं यू नो ना, सपोज हमने आई डिक्लेयर वन फोर्स को फोर लूप, फोर लूप के बाद मैंने कॉलन लगाया, कॉलन के बाद कमांड चाहिए ना, अब कोई कमांड नहीं है तो उसकी जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, पास लिखना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आएगी। ये देखो दो आप हर चीज का प्रैक्टिकल करके देखोगे तभी आपको क्लियर होगा। ये देखो सर, सपोज मैंने फोर लूप लगाया, फोर आई इन रेंज फाइव, ठीक है, अब ये फाइव टाइम लूप चलना है, बट आई डोंट नो कि मुझे यहाँ पे मुझे स्टेटमेंट नहीं क्लियर, मैंने क्या प्रिंट करवाना, तो मैं ऐसे ही एग्जीक्यूट करूंगा तो एरर आएगी। वाई एरर? Because it need at least one command. If I press enter key, I don't know the command, I type pass. Okay? So then I execute this. There is no any other, कोई output भी नहीं आए, but error भी नहीं आए. So pass is a keyword. Okay, बेटा किसी variable में अगर हम बिना bracket लगाए ना one Python 3.14 दे दें तो वो क्या बनेगा? ये मैंने करवाया हुआ है स्ट्रिंग दी बेटा, ये आप पता क्या कंसेप्ट को ना समझते नहीं हो, अपनी तरफ से सभी के लिए बात कर रहा हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक बच्चे के लिए नहीं बात कर रहा, आप समझा करो पहले इसको। ये देखो मैंने एक डाटा टाइप ली, वेरिएबल लिया, वैल्यू दे दिया से, ठीक है, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है न्यूमेरिक वैल्यू, ये स्ट्रिंग भी हो सकती है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड स्ट्रिंग होगी, उसके बाद फिर ये क्या बनेगा? यस इट विल बी टप्पल, ये टप्पल बन गया, तो आंसर क्या आना था इसका, तो आंसर इज टप्पल। बाय डिफॉल्ट इफ वी असाइन विदाउट ब्रैकेट एनी वैल्यू टू नंबर ऑफ वैल्यूज टू ए वेरिएबल इट विल बी टप्पल, क्लियर। नेक्स्ट इज ये टपल है कि कौन सा क्या डिक्लेयर किया हुआ हमने, टपल डिक्लेयर किया ना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 3:7:2 करते हैं तो आउटपुट क्या आएगी, 3 मीन्स थर्ड इंडेक्स 0, 1, 2, 3, ठीक है, 7 का मतलब 6 तक, पर हर बार गैप कितना होगा 2 का, तो 40, 60, 3, 5 उसके बाद 7 आ जाएगा तो वो तो सट्टी नहीं करेगा, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, सिर्फ 40 and 60, क्लियर है बेटा आपको ये, ठीक है, क्योंकि गैप क्या चाहिए था, 2 का गैप, तो इसका मतलब 3 स्टार्टिंग वैल्यू 3 लास्ट वैल्यू 7, 7 का मतलब 1 step back मतलब 6, ठीक है, तो 3 से शुरू होना है, 6 तक जाना है, गैप कितना होगा, होगा 2 का, तो ये हो गया हमारे पास 3, ठीक है, 3 के बाद 5, ठीक है, उसके बाद नहीं आएगा क्योंकि उसके बाद क्या होगा 7 आ जाएगा, पर हमने जाना कहां तक था, 6 से ज्यादा चीज नहीं होना, ठीक है, ये बताऊंगा एक बार इसमें वर्क नहीं है, बराबर हमें लगती। नेक्स्ट इज ये आपका फाइल हैंडलिंग है, कुछ ओके रिटर्न फंक्शन, नाउ टेल मी इसमें से कौन सा स्ट्रिंग में कौन सी डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप में कौन सा ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, प्लस भी चलता है, इनटू भी चलता है, इन भी चलता है, नॉट इन भी चलता है, ठीक है, आपका बेसिक्स है। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, यस टेल मी विच वन इज इनकरेक्ट, टप्पल है ये, टप्पल इज गिवन हियर, विच वन इज इनकरेक्ट, इनवैलिड, यस बी, बिकॉज वी आर गोइंग टू चेंज द एलिमेंट वैल्यू, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, हम यहाँ पे एलिमेंट प्रिंट कर रहे हैं, इट्स ओके, लाइक मिनिमम वैल्यू लेंथ, ठीक है, प्रिंट सिंपल किसी एलिमेंट को डिस्प्ले कर लिया, ओके, पर हियर वी आर चेंजिंग द वैल्यू इन टप्पल, लिस्ट होता तो पॉसिबल था पर टप्पल में पॉसिबल नहीं।
Yes, extension of Python. .py. In Python, if you want to use any comment, ठीक है, hash, single line, hash is single line, or multiple line, yes, multiple line comment, triple time, single quotes or double quotes, ठीक है, तो अगर हम use करेंगे तो multiple line आता है. Now, which of the following statement is false in the case of a dictionary? Dictionary ke case mein bhi false kaun si hai? The value of a dictionary can be assessed using keys. Ye to true hai. The keys of a dictionary can be assessed using a value. ठीक है, false है. Element in a dictionary are in the form of key value pair. Yes. Dictionary are mutable. Yes. किसी भी element की value को change कर सकते हैं. So which one is false? We can assess the value with the help of key, but don't key with the help of value. Okay, students, take care. Bye, brother.